नमस्कार, सोमारे न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मानसी राठौर। लॉकडाउन भले ही समाप्त तो हो गया हो, लेकिन उसके बाद भी व्यापारियों के सामने कई तरह की समस्याएं खड़ी हुई है। वही प्रशासन द्वारा लेफ्ट राइट दुकान खोलने को लेकर व्यापारियों ने विरोध किया और रमेश मेंदुला को ज्ञापन देकर पूर्ण रूप से दुकान खोलने की मांग की है। यह नज़ारा इंदौर के सुखलिया क्षेत्र का है, जहां आज सुखलिया मेन रोड व्यापारी संघ के व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। वहीं प्रशासन ने दुकान खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन एक दिन लेफ्ट एक दिन राइट दुकान खोलने की अनुमति दी है, जिससे व्यापारियों पर रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है। इन व्यापारियों में कुछ व्यापारी ऐसे भी हैं जो किराए की दुकान लेकर अपना व्यवसाय संचालित करते हैं, जिनकी महीने में सिर्फ 13 दिन दुकानें खुल रही है। ऐसे में दुकान का किराया निकालना भी मुश्किल हो रहा है। इन व्यापारियों ने विधायक रमेश मेंदुला के समक्ष ज्ञापन देकर मांग की है कि त्योहारों का समय है, इसे देखते हुए पूर्ण रूप से दुकान खोलने की अनुमति प्रदान की जाए। सर, एक्चुअली क्या है कि हम लोग यहाँ पर सभी रहवासी इस बात से परेशान हो चुके हैं, व्यापारी लोग परेशान हो चुके हैं। लेफ्ट राइट में हमारी दुकानें हैं, इस कारण से पूर्ण रूप से व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। और कुल मिला के यहाँ पर जो स्थिति है वैसी स्थिति नहीं है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, गिने चुने ग्राहक हम लोगों के पास पहुँच पाते हैं। तो हमारी जो स्थिति है व्यापारिक स्थिति कहीं ना कहीं बहुत 3 महीने से खराब हो चुकी है। सर, विचार चालू रहना चाहिए, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का फुल पालन करवाएंगे। सभी व्यापारियों को सलाह दी गई है कि हम अपने क्षेत्र में दुकानों पर ग्राहकों इस प्रकार से रखेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके। देखिए, अभी मुझे दिया है शुक्रिया, जो व्यापारी संघ है यहाँ के व्यापारियों ने एक ज्ञापन दिया। अभी ज्ञापन पर जो इन्होंने मांग रखी है राइट लेफ्ट वाली जो मांग है, अब जो कमेटी है कमेटी में अभी इस पर हम चर्चा करेंगे और जो भी उचित होगा अच्छा होगा। और इनको भी सभी व्यापारियों को भी बुला के इनसे भी चर्चा करेंगे, यहाँ के जो कमेटी के सदस्य हैं सभी के साथ बैठ के चर्चा करेंगे और अच्छा से अच्छा जो भी निर्णय होगा वो।